हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में हम बात करने वाले रिगार्डिंग दी कट ऑफ कि कितनी अपनी जो कट ऑफ रहने वाली है 2021 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, या फिर मैं बोलूँ कि बीएससी नर्सिंग में अगर एडमिशन लेना है तो कितनी अपनी जो है कट ऑफ रहने वाली है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि कुछ यहाँ पर इस बार यूनिवर्सिटीज़ में इस बार जो है नीट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन रहने वाला है, तो उसकी अलग कट ऑफ रहेगी एंड जो दूसरी कट ऑफ वो अलग यहाँ पर रहने वाली है। तो वीडियो को सबसे पहले तुम्हें लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस बार जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू यहाँ पर रहने वाला है, तो वो जो कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पर जो है अलग रहने वाली है। एंड अलोंग विद दैट जो स्टेट यहाँ पर जो अपना स्टेट जो लेवल पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाता है उसकी जो कट ऑफ है वो अलग यहाँ पर रहती है। तो सबकी जो है कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते लेते हैं लाइक स्टेट के रिगार्डिंग कि कितनी यहाँ पर जो कट ऑफ हमें स्टेट के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगी, स्टेट लेवल पे हमें कितनी ज़्यादा कट ऑफ हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर वैसे तो हर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है अलग रहेगा, लाइक हर किसी स्टेट के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है अलग रहता है, तो सबकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर अलग अलग रहती है। लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हर किसी स्टेट के लिए अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एंड जो कट ऑफ रहती है वो अलग रहती है, सबके लिए अलग रहती है। बट एक एस्टीमेट है कि कितनी यहाँ पर कितने से ज़्यादा जो है कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, तो ऑलमोस्ट 55% मार्क्स से ज़्यादा जो है कट ऑफ तुम्हें देखने को मिल जाएगी इन एवरी एग्ज़ाम। इतने नंबर तो तुम्हें लेके ही लेके आने पड़ते हैं अगर तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में के को क्लियर करना है या फिर तुम्हें गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है। तो हर किसी स्टेट में तुम्हें जो है 55% से ज़्यादा मार्क्स लेके आने पड़ते हैं एंड ऑलमोस्ट 55% तो हर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो रहती है। एंड अराउंड दिस कि 55% से जो है यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगी। तो बट ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि 55% मार्क्स जो है तुम्हें हर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है लेके आने पड़ते हैं इन द स्टेट, जो भी बोलो मैं बात करूँ स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो ये जो है तुम्हें लेके ही आने पड़ते हैं। इतने मार्क्स तो तुम्हें चाहिए अगर तुम्हें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है 2021 में। एंड इस बार थोड़ी सी कट ऑफ जो है ज़्यादा भी चली जाएगी तो 55% से ज़्यादा ही चली जाएगी कट ऑफ। बट मैं तुम्हें एक मिनिमम क्राइटेरिया के बारे में मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर कि मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि इतनी तो जो तुम्हें मार्क्स लेके ही आने पड़ते हैं, इससे ज़्यादा लेके आओगे तो अच्छा कॉलेज तुम्हें मिल जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया लाइक स्टेट से रिगार्डिंग कि स्टेट के ना कर स्टेट के बेसिस पर होगा तो इतनी इससे ज़्यादा तो कट ऑफ जो हमें देखने को मिल जाएगी हर किसी स्टेट के रिगार्डिंग हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। तो अभी बात करें कि अगर नीट के थ्रू होगा तो कितनी यहाँ पर जो है कट ऑफ अपनी जाने वाली है, कितने यहाँ पर तक एडमिशन होगा। तो वैसे तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पर जो लाइक ऐसे रहेगा कि यहाँ पर जो है वो स्टेट लेवल पे अलग अलग कट ऑफ रहने वाली, हरियाणा की अलग रहेगी एंड पंजाब की अलग रहेगी अगर यहाँ पर नीट को कनेक्ट कर दिया जाएगा बीएससी नर्सिंग के थ्रू। बट अभी तो ऐसा कोई लाइक कन्फर्म नहीं कि स्टेट को कनेक्ट करेंगे, बिकॉज स्टेट को कनेक्ट करने के चांसेस कम है एंड एटलीस्ट इस बार जो है कम है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर से सभी स्टेट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाए या फिर इसी के थ्रू एडमिशन हो, बट इस बार से जो है ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी वगैरह ने ऐसा कुछ यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, तो इस बार जो है जिपमर वगैरह में ही यहाँ पर जो है एडमिशन होने वाला है नीट के थ्रू, जिपमर का कन्फर्म है। बाकी एक दो यूनिवर्सिटीज़ और हैं उनका कन्फर्म है, बाकी अभी स्टेट लेवल पर नहीं किया है। तो उनकी कट ऑफ यहाँ पर कितनी यहाँ पर रहने वाली है, तो उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पर कम रहने वाली है लाइक एमबीबीएस वगैरह से, इनसे सभी कोर्सेज से जो है कम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की जो कट ऑफ हमें देखने को मिल जाएगी। तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पर ऑलमोस्ट वेरी करने वाली है, बट जो कट ऑफ रहेगी 450 से लेकर 500 के बिटवीन में रहने वाली है। इतने नंबर अगर तुम लेके आओगे तो यहाँ पर जो है चांसेस हैं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर 99.9% चांसेस हैं कि तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इतने मार्क्स में जिपमर वगैरह में 500 मार्क्स में आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर चुकी हूँ कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर अलग रहने वाली है, जनरल की अलग रहेगी, एससी की, ओबीसी की अलग रहेगी, बट एक क्राइटेरिया मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इतने मार्क्स में 500 मार्क्स में जो है सिलेक्शन तुम्हारा जो है हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग जो है उसी की स्टेटस
स्ट्रेटजी से तुम्हें जो है यहाँ पर प्रिपरेशन करनी होगी, उसी स्ट्रेटजी से तुम्हें तैयारी करनी होगी, उन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है तुम्हें अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग कि कितनी अपनी जो है कट ऑफ रहने वाली है 2021 में। आई थॉट तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए।